आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा क्यूरी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। गाइस अगर आप भी गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में क्यूरी का आपको इंस्टॉल किए हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं लेकिन आप जब तक यहां पर अकाउंट या फिर आईडी नहीं बना लेते तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम क्यूरी का ऐप में अकाउंट बना सकते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड योर वॉचिंग टेक्निकल यार। तो गाइस सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से क्यूरी का ऐप को इंस्टॉल करें और फिर ओपन करें। जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में क्यूरी का ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना इंटर नेम करना है, ईमेल आईडी करना है और यहाँ पर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने अपना नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद आपके फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड मिलेंगे। जो भी नंबर आप यहाँ पर टाइप किए हैं तो उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ओटीपी आ चुका है और ये मैंने टैप भी कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे भी आप रहते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा जो है दरभंगा आ चुका है, सहरसा वैसे सपोर्ट नहीं लेता है इसी के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और ये रहा अकाउंट आपका बन के रेडी है। तो गाइस कुछ इसी तरह से जो है आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। अब क्यूरी का ऐप को कैसे यूज किया जाता है अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हमें नीचे में कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी को बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी नई वीडियो तो आपको देखने होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वंदे मातरम।